Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is November 2nd, 2020 and we had another red session today. और ये red session हमने आपको पहले शायद indicate भी किया है अपनी last video में कि market is bearish and we're going to see another red session on Monday. हमने इसको आपको indicate किया हुआ था और it was more like very obvious red session मैं अगर आपसे कहूँ. आपका के सी 100 इंडेक्स ड्रॉप बाय 1.94% 775.82 पॉइंट्स एंड इट क्लोज ऑन 39,112.18. टुडेज वॉल्यूम फॉर के सी 100 इंडेक्स वॉज 205.6 मिलियन शेयर्स. इट्स एन एवरेज वॉल्यूम मगर अगर आप फॉर एनी रेड सेशन देखिए तो इट्स अ गुड एवरेज वॉल्यूम अगर आप मुझसे पूछिए. हमने आपको तो इंडेक्स में हम आपको हमेशा से आपको वी आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस और हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट आपको बड़ी अर्ली बेरिश साइन दे रही है. एंड अब आज हम देखेंगे कि वो बेरिश साइंस जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उन्हीं इंडिकेटर्स की लाइट में. मेजर जो रीज़न दिया जा रहा है इस किस्म के रेड सेशंस के लिए वो कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं अचानक ऑल ऑफ द सडन जिस रेशियो से बढ़ रहे हैं ये वही मेजर रीज़न है. ये वही रीज़न है काइंडली नोट जिस पे आपने पिछले साल में इंडेक्स को इतनी बुरी तरह गिरते हुए देखा था जिसको आप क्रैश कह सकते हैं और आपका आपका इंडेक्स वॉज अराउंड 28,000 29,000. काइंडली नोट कोरोना कोविड वही रीज़न है. और अगर आप बिहेवियर भी देखिए तो ये मेजर रीज़न होने से पहले हमें ऐसी दो कोई मेजर रीज़न मिले थे जो जो थे एक वो आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ का फैसला था और एक जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मैटर था जिन पे मार्केट थोड़ी सी हिली थी. और मैं आपको बताऊं कि अब ये अगर आप मैं आई एम जस्ट रिलेटिंग विद मैं ये नहीं कहता कि वाकई होगा अल्लाह ना करे कि अब वी वुड सीइंग अनदर क्रैश बट बिहेवियर काइंड ऑफ थोड़ा सा वही बनता जा रहा है. तकरीबन मंथ्स भी वही बन रहे हैं थोड़े से पहले हैं अर्ली हैं. आज हम ये इन्हीं को लेके चलेंगे इन्हीं इंडिकेटर्स को. और इससे पहले कि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें वी विल लुक एट क्या आज एक्चुअली हुआ क्या किसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी इन द मार्केट. अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्टर कोई नेगेटिव रहा तो वो रिफाइनरी सेक्टर था वेंट डाउन बाय 6.34%. मगर अगर कोई देखिए तो इन टोबैको सेक्टर जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग वो आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस उसका है के सी 100 इंडेक्स में और इट वेंट डाउन बाय 6.10%. उसके बाद लाइक ऑलवेज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 3.74%. केमिकल सेक्टर 2.14%. ये वो सेक्टर्स हैं जिन जो जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके के सी 100 इंडेक्स को. फिर सीमेंट सेक्टर 1.83%. कमर्शियल बैंक्स 1.69%. फर्टिलाइजर्स सेक्टर 1.17%. फूड एंड पर्सनल केयर 0.86. आपके जो आज ग्रीन में रहे वो लीजिंग क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स एंड वनस्पति एंड एलाइट जिसमें आपका यूनिटी फूड आता है एंड इट वॉज इन ग्रीन कंपेयरिंग टू ऑल अदर स्टॉक्स आपका यूनिटी फूड्स. हम आज अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. अब आप देखिए तो आपके जो के सी 100 इंडेक्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स अराउंड द वैल्यू ऑफ 35 पे है वेरी क्लोज टू इट्स ओवर सोल्ड लेवल. मेरे ख्याल में आपके आपको यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए. जो रीसेंट लो इसने अपना दिखाया RSI ने वो 28 दिखाया है. अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे अगर चलूँ तो मे बी वी कुड हैव अनदर रेड सेशन और अ फ्लैट सेशन. और अगर कोई रेड सेशन भी हुआ वो तो वो इतना बड़ा रेड सेशन ना हो. आई एम नॉट लुकिंग एट द डे क्लोज पे हमें शायद 200-300 पॉइंट्स का रेड सेशन मिल रहा हो मगर वो ये है कि जब आपकी मार्केट गिर रही है तो इट्स ऑल्सो केइंग अ एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो वो यही है कि वी हैव टू लुक मगर आई स्टिल वुड आस्क यू टू रिमेन कॉशियस. कोई पोजीशन लेने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा मार्केट का ट्रेंड क्या है. आज हमारी मार्केट इंट्राडे में काफ़ी माइनस की वी फाउंड अ सपोर्ट तो प्रॉबेबली कोई इन्वेस्टर्स ही थे जो जो जो
इन लेवल्स पे बुलिश हुए, कुछ प्राइसेस लेवल्स पे बुलिश हुए, मगर फिर भी मैं आपको कहूँ तो बेयर्स आर मोस्ट स्ट्रॉन्गर नाउ। आप कल का भी ग्रीन सेशन तो मुझे नहीं लगता रिकवरी हो, मगर कल भी मुझे लगता है एज पर RSI आपके पास फर्दर बड़ा क्वेश्चन है। पिछले 1 ईयर में लोएस्ट RSI की वैल्यू इज 15। दिस इज द क्वेश्चन, इतना आपका RSI हिस्टोरिकली नीचे जा सकता है एज हम इसको पूरे एक साल की हिस्ट्री में देखें तो। अब इचिमोको क्लाउड को देख लेते हैं जी। तो इचिमोको क्लाउड की लैगिंग स्पैन आपके क्लाउड में फॉल कर चुकी है, आपकी कैंडल भी क्लाउड से बाहर निकल चुकी है, बड़ी क्लोज उसने अपना क्लाउड से बाहर दे दी है। आपकी जो अगर आप देखिए तो आज आपका ये जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन को तकरीबन क्रॉस कर चुकी है, ये दे आर एक्चुअली क्रॉसिंग अवे है, आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। और आप देखिए तो ये क्लाउड भी खत्म हो गया, आज ग्रीन क्लाउड इज ओवर, यहाँ पे आपका ग्रीन क्लाउड खत्म होता हुआ और रेड क्लाउड फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इट्स आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन, इचिमोकू में ये आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन दे रहा है। आपको मार्केट में ब्रीदर जरूर मिलेंगे, आई एम सॉरी आई कैन नॉट, आपको मैं फोर्सी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं फोर्सी कर सकता कि आपको ग्रीन सेशन कब मिलेगा, मगर ऑब्वियसली ग्रीन सेशन आपको जरूर मिलेगा। एज पर RSI मैक्सिमम आपके पास जो आपकी मार्केट में फर्दर क्वेश्चन बनता है मेरे ख्याल में, आई एम नॉट आई आई वोंट बी प्रॉब्ली शायद इस पर एक्यूरेट ना हूँ, मगर आपको शायद यही कोई 600 पॉइंट 500 600 पॉइंट का फर्दर आपको इसमें क्वेश्चन मिलता है नीचे जाने का, या मैक्सिमम से यही 700 पॉइंट का आपको फर्दर क्वेश्चन मिलता है। लेट्स सी ये कितने नीचे जाती है, उसके बाद हिस्टोरिकली भी इसको ब्रीदर मिलना चाहिए, इसको वापस आना चाहिए। बोलिंजर बैंड्स को देख लेते हैं। बोलिंजर बैंड्स को अगर आप देखिए तो जहाँ पे ये हमें, आपको याद होगा हम पहले बात कर रहे थे कि दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग और नाउ दे आर वाइडनिंग, अपने लोअर बैंड के पास पहुँच गया है, लोअर बैंड के पास पहुँच गया है, और यहाँ पे ये इट्स क्लोजर टू इट्स अवर सोल्ड लेवल, इट्स ऑन इट्स ओवरसोल्ड लेवल, और यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। मगर अगर आप पिछला बिहेवियर देखिए तो व्हेन इट्स बेरिश कैंडल्स आर इवन वो बाहर निकल रही होती हैं बोलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड से, तो वही है कि आई थिंक सो आपकी आपकी दे वुड बी शायद फर्दर रेड सेशन आपको मिल रहा हो, दे वुड बी गोइंग आउटसाइड ऑफ द बोलिंजर बैंड, लोअर बैंड को वो क्रॉस कर रहे हो। अगर हम पिछले एक साल में भी देखें तो आपकी जब ये मार्केट इस तरह की फॉल आई थी, आई डोंट नो कि अभी इसी किस्म की मार्केट रिएक्ट करेगी कोरोना के लिए, क्या होता है, आपके पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है और भी बड़े फैक्टर्स हैं। तो ये देखिए कि बोलिंजर बैंड्स को में कैंडल्स लोअर बैंड को बड़े आराम से क्रॉस कर रही थी और इट वॉज फॉलिंग, और आपका बैंड भी उसी तरह वाइडन हो रहा था। तो लेट्स सी हाउ अभी मार्केट किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। एज पर स्टॉक हैस्टिक भी आपके पास फर्दर बड़ा क्वेश्चन है मार्केट के नीचे होने का। अगर आप देखिए इवन द ब्लू लाइन की लोएस्ट वैल्यू इज इट्स 3.82 आई थिंक, और नाउ राइट नाउ इट्स ऑन 10, तो आपके पास ब्लू लाइन के भी नीचे आने का मार्जिन है और रेड लाइन का तो काफी मार्जिन है, और बोथ लाइंस बड़े ठीक ठाक नीचे अपने आप को वो नोज डाइव भी करती हुई नजर आ रही है। MACD अगर आप देखिए तो रेड लाइन हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड ब्लू लाइन, इंडिकेटिंग बेरिश इट इज, वो आपको बेरिश कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए विलियम्स एलिगेटर की डायरेक्शन दोबारा चेंज हो गई है, विलियम्स एलिगेटर की डायरेक्शन दोबारा चेंज हो गई है, सिग्नलिंग कि आपके आगे बेरिश सेशन ही हैं, मार्केट इज बेरिश नाउ। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो आपकी जो वैल्यू है 112 पे है, और रिसेंट आपकी जो पिछले इन्हीं दिनों में जब आपके आपने ये स्पेल देखा था हमने पिछले दिनों रेड सेशन का, तो तब कमोडिटी चैनल इंडेक्स की जो आपका -215 की वैल्यू थी, राइट नाउ आपके पास -116 की वैल्यू है। तो मैं आपसे बताऊं कि आपके पास बड़ा एज पर कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी मार्जिन क्वेश्चन है कि मार्केट आपकी और नीचे जा सकता है, कि इसी एंडेड इंडेक्स कैन फर्दर गो डाउन। यहाँ पे मैं एक और चीज प्लॉट करूंगा जो हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं, बट आई हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, दैट इज एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज मैं आपसे डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ, हम यूजुअली इसको देख रहे होते हैं एज पर वॉलेटिलिटी, इसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होकर 732 पे आ गई है। अब करंटली ये हाईएस्ट वॉलेटिलिटी है अभी जब तक हमने इसकी जो बुलिश ट्रेंड या जो बेरिश ट्रेंड देखा है,
दिस इज और मैं आपको बड़ी एक और भी इसमें कोइंसिडेंस की बात बताऊं कि आज हमारा इंडेक्स इज अराउंड 39,112। अगर मैं लास्ट टाइम देखूं जब मार्केट इसी तरह गिर रही थी और आपका यही लेवल था, सॉरी एवरेज टू रेंज का, लेट मी शो यू ओवर हियर, तो उस दिन भी आपकी मार्केट क्लोज हुई थी 38,219 पे। एक मिनट जी, 39,000, सॉरी वाज, आई एम सॉरी, उस दिन मार्केट आपकी 38,219 एंड इट ओपन्ड ऑन 39,193। ऑलमोस्ट सेम एरिया ही था, ऑलमोस्ट सेम एरिया ही था। और ये चीज जरूर नोट कर लीजिए कि आपकी वॉलेटिलिटी जब मार्केट गिरी है लास्ट ईयर इस ड्यू टू कोरोना, तो दिस एवरेज टू रेंज इंक्रीज अप टू 13,553 पॉइंट्स। एवरेज टू रेंज वहां तक गई क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में आ गई थी। आप नोट कीजिए, तो लास्ट ईयर आपका एक सेशन ऐसा भी था कि जिसमें आपके 2375 पॉइंट्स मार्केट वेंट डाउन, फिर वी हैड अनदर बिग बिग सेशन ऑफ 2200 इतने इतने पॉइंट्स का। तो अगर आई एम नॉट सेइंग कि अल्लाह ना करे इसी तरह मार्केट क्रैश हो, अगर इट्स गोइंग टुवर्ड्स इट या मार्केट ने नीचे आना है, तो इस किस्म की वॉलेटिलिटी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी कि अब ये वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है और ये कितनी वॉलेटिलिटी होती है। एक बात तो श्योर है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं कि इट्स अ बेरिश ट्रेंड, और एवरेज ट्रू रेंज से हमें ये भी इंडिकेट हो रहा है कि वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो वी प्रोबेबली गोइंग टू सी बिगर सेशंस नाउ, बिगर सेशंस, दिस इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग। और वो इसी तरह वॉलेटिलिटी अपर की तरफ इंक्रीज होती हुई जा रही है, हो रही है। तो लेट्स सी ये इस दफा कहाँ पे जाके सेटल होती है, ये जरूर देख लीजिएगा, देख लेते हैं। और हम आज केएससी ऑल शेयर इंडेक्स को भी देख लें, तो केएससी ऑल शेयर इंडेक्स आपका बड़ा क्लियरली, इसकी तो कैंडल ऑलमोस्ट क्लाउड से बाहर निकल चुकी है। आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, लैगिंग स्पैन क्लाउड में फॉल कर रही है, इसका भी क्लाउड यहाँ पे खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्लाउड खत्म होता जा रहा है। इट्स फॉर्मिंग अ रेड क्लाउड, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू फॉर्म अ रेड क्लाउड। आपके वन मोर रेड सेशन के बाद इट बी अ रेड रेड क्लाउड, और मुझे लग रहा है कि आपके पास एक और रेड सेशन अब मैं शायद मिल जाए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इट्स अराउंड 34, और रिसेंटली इसने जो अपना लो आरएसआई दिखाया है दैट इज 27, और ओवरऑल एक साल में जो लोएस्ट आरएसआई दिखाया दैट इज 14। आरएसआई एज पर आरएसआई भी काफ़ी क्वेश्चन है इसके पास नीचे जाने का, स्टॉक हैस्टिक के पास भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत नीचे जाने का। तो प्रॉबेबली प्रॉबेबली अगर मार्केट जा सकती है तो मुझे लगता है कि 700-800 पॉइंट मार्केट शायद और नीचे जा सकती है, मगर उसके बाद ये बड़े अपने आइडियल ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे फिर एंट्री बनती है, जहाँ पे आपको ब्रीदर मिल जाना चाहिए, आपको एक ग्रीन सेशन मिल जाएगा। मैं अपने कैटेगराइज कर लूँ इनको, तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी न्यूट्रल रखूंगा, दो इट्स क्लोज टू ओवरसोल्ड, मगर आपके सामने हम वी हैव स्टिल क्वेश्चन डाउनवर्ड्स। विलियम्स एलिगेटर इज बेरिश, एमएसीडी इज बेरिश, स्टॉक हैस्टिक को भी न्यूट्रल रखूंगा, ओवरसोल्ड के पास है मगर हमें क्वेश्चन है नीचे काफी। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी सेम चीज, इचिमोको इज बेरिश, और बॉलिंजर बैंड्स को भी आई कीप इट न्यूट्रल, दो इट्स क्लोज टू ओवरसोल्ड, मगर हमें फिर भी लग रहा है कि वी कुड हैव अ क्वेश्चन। मैं आई एम काइंड ऑफ इंडिकेटिंग अ बेरिश सिग्नल नाउ, आई डोंट नो कितनी स्ट्रेंथ है, हाउ स्ट्रांग इट इज, बट इट्स बेरिश। एवरेज ट्रू रेंज इज 727 पॉइंट्स, इंडिकेटिंग वी गोइंग टू हैव वेरी वॉलेटाइल सेशंस नाउ। ये अभी तक हमने जो इस साल में 2020 की जो बुलिश रन, उसके बाद जो अब बेरिश भी, अब इसका जो ट्रेंड है उसमें सबसे हाईएस्ट रीडिंग है फॉर एवरेज ट्रू रेंज। कल के लिए सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट इज 38,631, सेकेंड इज 38,150, थर्ड सपोर्ट इज 37,521। अगर आप ऊपर देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, जो मेरे ख्याल में अनलाइकली है, 39,740 आपकी पहली रेजिस्टेंस, सेकेंड इज 40,368 एंड थर्ड इज 40,894। मैं आपको आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इट्स जस्ट अ जर्नल, आप काइंडली इसको कंसिडर ना कीजिए, वी गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। मोर ओवर एट टाइम्स हमारे व्यूज बड़ा वो दे कंप्लेंट एट टाइम्स, और इट्स मोर लाइक अ फीडबैक, इट्स नॉट अ कंप्लेंट, के वी शुड बी मोर ऑप्टोमिस्टिक और वाई वाई वी आर सो बेरिश। एंड एट टाइम्स सम ऑफ द व्यूअर्स आई हैव रेड इन द कमेंट्स दैट दे कंप्लेंट,
इंटरेस्टिंग. तो मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि हाउ कुड बी बुलिश इफ इंडिकेटर्स आर इंडिकेटिंग अदरवाइज. ये देखिए, तो हमने आप वी जस्ट गिविंग यू द फैक्ट्स ओवर हियर. हमने आपको हम वी वी कैन नॉट बी बुलिश ऑन इचुमोको के, अगर इचुमोको की सारी लाइंस आर बिलो द क्लाउड और वो आपको इंडिकेट की, तो हाउ हम आपको कैसे बुलिश कहते हैं. ऑप्टोमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है. और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एवरी एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बट स्टिल यू हैव टू लुक के मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, ताकि आप बेहतर पोजिशन और बेहतर एंट्री ले सकें. टॉप रेटेड स्टॉक्स हम आज के डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज हैस्कॉल, ऑलमोस्ट लोअर फ्रीज्ड, 32 मिलियन शेयर्स का काम. मैं इसके बारे में हमेशा आपसे कह रहा हूँ, एक तो मुझे स्टॉक फंडामेंटली अभी करंटली बहुत वीक लगता है. लॉन्ग टर्म में आई रिकमेंड दिस स्टॉक, मगर करंटली इसके फाइनेंशियल्स इसमें नहीं, और आई थिंक कि इसके फाइनेंशियल्स की रिकवरी भी इतनी जल्दी नहीं होगी. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. और मैंने आपको ये भी इसके हैस्कॉल के बारे में बड़ा क्लियर बताया हुआ था कि वी थिंक ये KSE 100 इंडेक्स के साथ बिल्कुल कोरिलेटेड है, क्योंकि आई थिंक ये स्पेकुलेशन पे मूव हो रहा है. तो वो हुआ भी यही, दिस इज़ कमिंग डाउन विद इंडेक्स. तो अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए. एंड आई थिंक अगर इंडेक्स इज कमिंग डाउन, तो प्रॉब्ली यू विल गेट अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट इन इट, आप आपको मिल जाएगा. दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर इट. यूनिटी 31 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, इट इट रिमेंड इन ग्रीन. PIBTL 20 मिलियन शेयर्स. फिर आज हमारे पास एक नया स्क्रिप्ट है आगा, इट्स एन IPO. आज पहला दिन था इसका ट्रेडिंग का. आगा स्टील, आगा स्टील जो है, काइंडली नोट कि आपके प्राइवेट सेक्टर का सेकंड बड़ा IPO था और आपके स्टील सेक्टर का सबसे बड़ा IPO है. मैं आज के आज अब टेक्निकल्स भी डिस्कस करूंगा. इसका 16 मिलियन शेयर्स का वन इट अपर कैप्ड. और अगर आपने इसका IPO लिया तो बहुत अच्छा है, यू हैव बिन वेरी लकी, आपको मिल गया. अगर आपने नहीं लिया तो अभी भी मार्केट में से ले लीजिए. इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, इट्स फंडामेंटली भी इट्स अ गुड स्टॉक. फर्दर आई विल डिस्कस, मैं इसका डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग द ग्राफ, जब हम इसका डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे साथ वी हैव PRL, 16 मिलियन शेयर्स, और इट ऑल्सो रिमेन नेगेटिव. अब हम इनके टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते हैं. हैस्कॉल को देख लेते हैं जी. तो हैस्कॉल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इट्स क्लियरली क्लियरली बेरिश नाउ, सो बेरिश कि आप मैं आपको इसमें, यानी कि एचयूएमओ को तो आपको बिल्कुल बेरिश इंडिकेट कर रहा है. प्राइस, इसकी बोथ लाइंस, लैगिंग स्पैन, एवरी वन इज बिलो द क्लाउड. इसका जो क्लाउड है वो भी ऑलमोस्ट अब ग्रीन से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. इट्स बेरिश, इचिमोको इसको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका बड़े अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, इट्स ऑन 31. अगर आप नोट कीजिए तो ये जो इसकी जो आज आपकी जो आपके पास प्राइस क्लोजिंग आई है, एग्जैक्टली डैट इज 13.82. ये 13-14 पे बड़े महीने ट्रेड करता रहा. यहाँ पे इसके पास काइंड ऑफ सपोर्ट भी है, मगर स्टिल स्टिल वन इट्स बेरिश, तो प्रॉबेबली आपको और कोई अच्छा लो भी दिखाता हुआ नजर आए. आई थिंक सो. मैं इसके पिछले एक साल में लोएस्ट आपको RSI इसका मैं आपको बता दूं तो डेट वॉज 17. एज पर RSI इसके पास बड़ा कुशन है नीचे जाने का भी, और इफ इट्स इट्स गोइंग बेरिश और अगर नीचे जा रहा है तो. स्टॉक हैस्टिक भी आप देख लीजिए. तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने, एक मिनट मैं आपको बता दूं, तो स्टॉक हैस्टिक अपने लोएस्ट पे पहुंचा हुआ है. अगर आप देखिए तो ये अपने ईयर का, बल्कि जो ब्लू लाइन है, इट्स ऑन इट्स एवर लो, अपने 1 ईयर के एवर लो पे है. स्टिल आई थिंक सो के यू नेवर नो, आपको ये और भी दिखा दे और ये शायद क्रॉसिंग में ही चल रहा हो, आपको कोई एक सेशन ये फ्लैट दिखा दे. मगर अभी मैं आपको इसमें ना सिर्फ साइडवेज, बल्कि टेलिंग यू इट्स बेरिश, और प्रॉबली यू कैन गेट अ बेटर एंट्री पॉइंट, एंट्री फॉर दिस स्टॉक. अगर आप इसमें अभी करना भी चाहते हैं तो थोड़ी बहुत कीजिए, आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इसमें कीजिए. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग टर्म में दिस 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 इज अ वेरी गुड स्टॉक, लॉन्ग टर्म से आई मीन 1 और 2 ईयर्स, बट वो भी के फाइनेंशियल आई थिंक इज फंडामेंटली शायद ये बेहतर हो जाए आफ्टर 1 और 2 ईयर्स. यूनिटी फूड्स को देख लेते हैं. टेक्निकली मैं हमेशा से आपसे कह रहा हूँ कि इचुमोको इसका बड़ा अच्छा आपको वो देता है, इसका बिहेवियर दिखा रहा है. अगर आप देखिए तो ये रेड मार्केट्स में बड़े बड़े सेशंस में भी सर्वाइव करता रहा है. आज भी रेड सेशन के बावजूद इट क्लोज्ड इन ग्रीन. इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली फॉर अ स्टॉक. और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इट्स अराउंड 76 नाउ, इट्स ऑन इट्स ओवर बॉट. हाईएस्ट जो RSI की वैल्यू इसने रिसेंटली ही दिखाई थी, डेट वॉज 82. वही है कि इसके पास फर्दर क्वेश्चन है, मगर ये मुझे लगता है कि इसी किस्म के बिहेवियर रखेगा भी,
शायद आपको इतने बड़े वॉलेटिलिटी ना दिखाए क्योंकि मार्केट पे भी प्रेशर है, बट अगेन अगेन इसने आज की क्लोजिंग अच्छी दी है। अगर ये इसी प्राइस के अराउंड होवर करता है कुछ कुछ अर्सा, तो प्रॉब्ली इसके अपने आरएसआई को भी एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि आरएसआई इज कैलकुलेटेड ऑन 14-day पीरियड। प्रॉब्ली अब 1 week भी अगर ये अपनी इसी प्राइस के पास सस्टेन करता हुआ नजर आता, तो इसका आरएसआई आप खुद ब खुद एडजस्ट होते हुए दिखाएंगे, जो हमें फर्दर दे रहा होगा कि उस पर स्ट्रेंथ दे रहा होगा कि इट कैन फर्दर मूव अप एज इचिमोको इज इंडिकेटिंग फॉर इट। स्टोकास्टिक देखिए तो वो भी इसके ओवरबॉट पे है और इट्स मूविंग इन क्रॉसिंग सेम बिहेवियर एज आरएसआई। लेट्स सी हाउ ये आगे फर्दर वो इंडिकेट कर रहा है, इसको भी एडजस्ट होने की ज़रूरत है। आई थिंक ये आपको इसी तरह शायद रेंज बाउंड रहे फॉर फॉर फ्यू सेशंस और रहना चाहिए। अगर इसी तरह रेंज बाउंड रहता है तो टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है आगे फर्दर अप जाने के लिए, जैसे कि एचएमओ को इसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद भी है पीआईबीटीएल एंड आगा। मैं पीआईबीटीएल को भी प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, अगर आप पीआईबीटीएल को देखिए तो इट्स साइडवेज एंड बेरिश। इसका आज तकरीबन कैंडल वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द क्लाउड, ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, मगर वो दे आर फॉलिंग इन द वो क्लाउड में फॉल कर रही है। लेगिंग स्पैन अभी तक आपके क्लाउड में नहीं गई। मैं आपको इस पे साइडवेज ही रहने को कहूंगा। अगर यू आर होल्डिंग इट तो कीप होल्डिंग इट, लेट्स सी इफ द थिंग्स टर्न अराउंड, कुछ बेहतरी हो जाती है मार्केट में, इट विल परफॉर्म। अदरवाइज अगर मार्केट बेरिश है तो इट्स कमिंग डाउन। मैं आपको बता दूं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 44 में है, मिडल में है। वो ये कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट शोइंग कि अपने इट्स गोइंग टुवर्ड इट्स ओवर सोल्ड, मगर इसके पास बहुत क्वेश्चन है इसके पास आने के लिए। जो इसने रिसेंट अपना आरएसआई लोएस्ट दिखाया वो 33 दिखाया था, और अपने साल का जो लोएस्ट आरएसआई वैल्यू इसने इस वो 21 की है। तो लाइक आई टोल्ड यू इसके पास एज पर आरएसआई भी काफ़ी क्वेश्चन है नीचे आने का। सेम केस स्टोकेस्टिक भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि इट हैज़ लॉट ऑफ क्वेश्चन नीचे आने के लिए। आगा को देख लेते हैं, तो आगा का स्टॉक आपका आपके पास आई एम सॉरी यही ग्राफ है, क्योंकि दिस इज इज फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग एंड एंड टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 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 प्राइस हिस्ट्री, वी डोंट हैव इट्स प्राइस हिस्ट्री। मैंने हमेशा आपको, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नॉट आस्किंग यू, मैं आपको कभी नहीं कह रहा कि आप स्टॉक बाय एंड सेल कीजिए, बट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि आई डू गो फॉर आगा स्टील, नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल्स, मैं इसको आपके फंडामेंटल रीजन ही कहूँगा। क्योंकि एज मैंने मैंने जब इसका प्री आईपीओ आई रेड फ्यू ऑफ इट्स प्री आईपीओ डॉक्यूमेंट्स, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अमरीली अमरीली स्टील से डबल है। दिस इज वट आई हर्ड, दिस इज वट आई रेड एक्चुअली। और अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी फंडामेंटली भी अमरीली स्टील से डबल है, तो अमरीली स्टील ने तो आपको 50 का रेट दिखा दिया हमें, तो आगा स्टील हमें अच्छा रेट क्यों नहीं दिखाएगा? मेरे ख्याल में ये 45-50 का रेट तो आपको आराम से दिखाएगा। डू गो फॉर आगा मेरे ख्याल में। और ये मैंने जैसा कहा कि स्टील सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो आई थिंक इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, अच्छा शेयर है। आपको ये दे जाएगा, रिटर्न्स दे जाएगा, मगर कीप इट डिलीवरी, थोड़ा सा सब्र भी शायद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पे थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट है या सेलिंग प्रेशर भी आप देख रहे हैं। मगर अगर ये अगर अगर मार्केट इस टाइम बुलिश होती है तो आप ये आप कीपिंग में पता नहीं, मेरे ख्याल में वही मैंने आपसे कहा आप आई एम कीपिंग आगा, तो मैं शायद इसको 100 रुपये भी देखता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग 100 रुपये, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया अमरीली स्टील जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे 50% कम है, वो 50 है, तो आगा तो मेरे ख्याल में चला जाना चाहिए। अगेन अगेन दिस इज माई आइडिया, मैं आपको प्राइस टारगेट कोई नहीं दे रहा। हाँ आई डू रिकमेंड कि आगा जरूर लीजिए इफ यू वॉन्ट टू, अगर आप लेना चाहते हैं। उसके बाद वी हैव जी पीआरएल, एंड मैं पीआरएल के साथ केओएसएम को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे किसी व्यूअर का कमेंट था कि हम केओएसएम को शायद स्किप करके हम उसको कवर कर रहे थे। जी ये लीजिए, ओके जी, पीआरएल इज बेरिश एज पर इचिमोको, इट्स बेरिश। इसकी मैं आपको बताऊं तो बोथ लाइंस है बिलो द क्लाउड, क्लाउड आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कैंडल्स अब बिलो द क्लाउड, लेगिंग स्पैन भी नोज डाइव कर रही है,
इट्स बेरिश। आप इसमें और रेड सेशंस देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू इज एट 41, और इसने अपना जो रिसेंट लोएस्ट दिखाया वो तकरीबन 30 ही दिखाया। एंड राइट नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स ऑन अभी अभी 41 पे है, तो इससे ज्यादा ह्यूज क्वेश्चन के नीचे आ सकता है। स्टोकहैस्टिक भी अपने तकरीबन अवर्स होल्ड के पास पहुंचा हुआ, मगर स्टिल इससे भी हमने स्टोकहैस्टिक को लो देखा हुआ है। सो जैसा कि मैंने कहा, पीआरएल बेरिश है और शायद और भी नीचे आ सकता है एज पर एचएमओ को। केओएसएम को देख लेते हैं। केओएसएम को अगर आप देखिए तो केओएसएम डिस्पाइट रेड सेशंस अभी भी इसकी कैंडल क्लाउड के ऊपर है। एक तो ये देखिए, लेगिंग स्पैन दोनों लाइन से ऊपर है। इसकी जो रेड लाइन है, दिस इज इट्स रेड लाइन, और ब्लू लाइन भी अभी रेड लाइन से ऊपर है। तो ये इट्स मोर लाइक अ सर्वाइव कर रहा है, एक बेरिश मार्केट में अभी भी सर्वाइव कर रहा है। सीम्स गुड, सीम्स लाइक टेक्निकली एचएमओ को इसको स्ट्रांग ही इंडिकेट कर रहा है, अभी तक ठीक कर रहा है। आपके डिस्पाइट आपके इतने रेड सेशन और इतने गिरने के बावजूद ये इसमें अभी तक वो नहीं हुआ, क्लाउड खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। इसका इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 53 इन द मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, वापस टर्न अराउंड हो रहा है ऊपर की तरफ। स्टोकहैस्टिक इज डिपिक्टिंग द सेम पिक्चर इन बिटवीन ऑफ ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट। हमें फर्दर सेशंस आगे बताएंगे कि व्हाट हैपेंस। और अगर आप देखिए तो वॉल्यूम्स देख लीजिए, रेड सेशन के वॉल्यूम्स देख लीजिए। वॉल्यूम वॉज 719,000 एक रेड सेशन, जो बड़ा रेड सेशन एक आया उसमें आपका वॉल्यूम था 1.41 मिलियन, फिर आपके पास वॉल्यूम था 1.278 मिलियन, फिर वॉल्यूम वॉज ऑन रेड सेशन वॉज 609,000 एंड फिर 1.395। और आज अगर आज ग्रीन हुआ है, इट वेंट ग्रीन, तो आपके पास वॉल्यूम है 1.575 मिलियन। मगर जो जो ये दो बड़े डेज थे ये, अगर आप देखिए, जिन पे हमने हमने इसमें मेजर वॉल्यूम देखा, एक दिन 20 मिलियन का था, अनदर डे 25 मिलियन का, उस किस्म का वॉल्यूम हमने नहीं अभी आगे देखा। उससे अगले दिन मे बी उस 11 11 मिलियन का हमने देखा वॉल्यूम। मगर अब यही है कि इट सीम्स कि बड़ी पोजीशन ली, प्रॉब्लम किसी बड़े प्लेयर ने ली या बड़ी पोजीशन इस दिन ली गई, एंड दे आर स्टिल होल्डिंग इट, दे आर नॉट पैनिक अबाउट इट। अगर मैं इस तरह बात करूँ तो वो कीप होल्डिंग इट, कीप होल्डिंग इट। मार्केट ऑब्वियसली इज गोइंग टू कम बैक, ऑब्वियसली इज गोइंग टू कम बैक। और अगर जब जाएगी तो ऑब्वियसली, अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली है दैट इज अराउंड 3.67, और अगले दिन फिर यहाँ पे पोजीशन लेके क्लोज हुआ 4.25 का, प्रॉबेबली दिस पर्सन इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग, इज एक्सपेक्टिंग 5 और 6 रुपीज, 5 6 पे क्लोज देगा तो आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। या तो आई आई वुड सजेस्ट टू कीप होल्ड इट। आप देखिए, क्योंकि अभी तक ये चुमोकू भी आपको उस तरह का कोई वरीसम आपको सिग्नल नहीं दे रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा कि इट्स बेरिश, इट्स गोइंग टू इट्स शोइंग द स्टॉक एज अ सर्वाइवर एक्चुअली। एट द एंड मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दूंगा, दिस इज जस्ट अ जनरल वीडियो, और आई होप आप सबकी वी नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन और एनी एक्सेप्ट आगा आगा फॉर टुडे, जिसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। मैं उसको फंडामेंटली आपको कह रहा हूँ कि आप गो फॉर इट, और बाकी वी आर नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट। स्टे सेफ, आई होप आप यू मेक मोर मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।